बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। डॉक्टर रघु शर्मा ने आरयूएचएस अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों की कुशल क्षेम पूछी है। डॉक्टर रघु शर्मा स्वयं पॉजिटिव और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने दूसरी और तीसरी मंजिल पर बन रहे 70 आईसीयू बेड को भी देखा है। आरयूएचएस में वर्तमान में 135 आईसीयू बेड उपलब्ध है। 70 नए बेड मिलने से आईसीयू बेड की संख्या 205 हो जाएगी। अस्पताल में वर्तमान में 1200 ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी और आरयूएचएस के अधीक्षक अजीत सिंह सहित कई डॉक्टर्स मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आरयूएचएस अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों से उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान दौरे के दौरान विभिन्न वार्डों में वो गए। डॉक्टर रघु शर्मा खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, आरयूएचएस में खुद भी भर्ती, उनका इलाज भी जारी है, लेकिन साथ ही अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। चिकित्सा मंत्री ने दूसरी तीसरी मंजिल पर बन रहे 70 आईसीयू बेड को भी देखा है। यहां पर 70 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं आरयूएचएस में। अभी फिलहाल की बात करें तो 135 आईसीयू बेड उपलब्ध है। 70 नए बेड मिलने से आईसीयू बेड की संख्या अब यहां पर 205 हो जाएगी। अस्पताल में वर्तमान में 1200 ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी और आरयूएचएस के अधीक्षक अजीत सिंह सहित कई डॉक्टर्स यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी जानकारी व्यवस्थाओं को देकर लेकर भी दी, इंतजामों को लेकर भी दी यहां पर, और खुद वार्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आरयूएचएस में खुद उनका भी इलाज जारी है क्योंकि कोविड पॉजिटिव हुए हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, लेकिन इस दौरान आरयूएचएस की व्यवस्थाओं को लेकर भी, क्योंकि वक्त वक्त पर सवाल व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजामों को लेकर उठते रहते हैं, और ऐसे में जब चिकित्सा मंत्री खुद आरयूएचएस में ही भर्ती है, उनका भी इलाज जारी है, दूसरे और तीसरे मंजिल पर जाकर वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया, कुशलक्षेम वहां पर एडमिट मरीजों की भी पूछी, और साथ ही जो 70 नए आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं उसका भी निरीक्षण यहां पर किया। डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रही, जिन्होंने पूरा फीडबैक भी दिया चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला